Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Today, under the entertainment section of Miss Versatile, we will see the review of this newly released movie, Freddy. As you're all aware that Freddy starring Kartik Aaryan and Alia F is released on OTT platform. Anyways, let's start with the movie review of Freddy. तो शुरू करते हैं कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं विच इज कार्तिक आर्यन एंड आलिया एफ वो लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं इस मूवी में. तो मूवी इज अ साइको थ्रिलर आई कैन से लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड लॉट ऑफ इंटेलिजेंट वर्क. अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये तो नहीं बोल सकती कि प्लॉट प्रेडिक्टेबल नहीं है. प्लॉट प्रेडिक्टेबल कहीं कहीं पे हो जाता है बट जिस इंटेलिजेंस से जो सीन्स हैं वो एग्जीक्यूट किए गए हैं, जिस इंटेलिजेंस से ये स्टोरी लिखी गई है, दैट विल एक्साइट यू अलॉट. सो कार्तिक आर्यन इज अ लोनली एंड इंट्रोवर्ट डेंटिस्ट जिसके चाइल्डहुड में कोई ट्रेजेडी हुई थी, पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी एंड उसका इम्पैक्ट कार्तिक आर्यन पे इतना है. कार्तिक आर्यन का नाम इस मूवी में फ्रेडी है. ही इज़ अ डॉक्टर एंड उसका जो एक्चुअल नाम है वो काफ़ी बड़ा है बट ही इंसिस्ट दैट पीपल कॉल हिम फ्रेडी. सो ही इज एन इंट्रोवर्ट एंड अ लोनली गाय एंड हु इज बीन ट्राइंग टू सोल फाइंड अ सोलमेट फॉर क्वाइट सम टाइम थ्रू वेरियस शादी डॉट कॉम थिंग्स और मैट्रिमोनियल ब्यूरोज. बट वो बहुत ज़्यादा शाई है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, अपनी बात रख नहीं पाता. तो इट इज़ टेकिंग हिम टाइम टू फाइंड दैट परफेक्ट मैच फॉर हिम. एंड आलिया एफ जो है उसका कैरेक्टर इस मूवी में एक मैरिड फीमेल का है एंड देयर इज अगेन ट्विस्ट एंड टर्न्स टू और शेड्स टू हर कैरेक्टर. सो कार्तिक आर्यन एक सोलमेट की तलाश में फाइंड्स आलिया एफ and you know goes to any extent to get her in his life. So puri story aise hi hai ki she being a married female, Kartik Aaryan aisa kya karta hai jisse wo Alia ko apni life mein, aur Alia ka naam is movie mein hai Kianaz and jo bhi hai, jaise aap is movie ko dekhenge aapko pata chalega ki naam ke bhi shades hain, कैरेक्टर के शेड्स हैं. तो वॉट ही डज टू गेट कायनाज और आलिया इन हिज लाइफ, टू वॉट एक्सटेंट ही गोज एंड वेदर ही गेट्स हर और नॉट एज हिज सोलमेट इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर. गो बैक टू हाउ दीज एक्टर्स हैव डिलीवर्ड इट. स्टार्टिंग विद कार्तिक आर्यन, ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब. हालांकि उसके कैरेक्टर में आपको उसके लव आजकल के शेड्स दिखेंगे. यू नो ही हैड बिहेव दैट शाई बॉय एंड एन इंट्रोवर्ट इन दैट मूवी ऑल्सो. तो आपको उसके शेड्स लगेंगे बट देन उससे काफ़ी अलग है ये कैरेक्टर एंड उसने ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से पुल किया है. बहुत ज़्यादा बिलीवेबल लगता है एंड उसको मूवी में कोई हॉट हंक नहीं दिखाया. ही इज़ बीन शोन एज यू नो समबडी इन हिज लेट थर्टीज एंड काइंड ऑफ अ मिडिल क्लास मैन एंड वो कैरेक्टर पुल करने के लिए जैसे उसको उसकी इमेज दिखाई गई है वो काफ़ी कन्विंसिंग है एंड एक्टिंग तो ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है एंड कन्विंसिंग है. आप फील कर सकते हो उस पर्सन के लिए, आप रियली ऐसा सोचोगे कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या होता है. कमिंग टू आलिया एफ, आई रियली फील व्हाई शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ मास सिनेमा और लॉट ऑफ मूवीज बिकॉज शी रियली हैज़ लॉट ऑफ टू ऑफर. When she is a married woman who's in this movie, she is a married woman who is not in a healthy relationship and उसने इतनी सादगी से उसको perform किया है कि आपको seriously ऐसा लगेगा कि why she is there. और उसको बाद में जो भी shade दिया है उसके character का,
whether you want to love her. If she wants the audience to love her, the audience will love her. If she wants the audience to hate her, the audience will hate her. तो ऐसा उसने जान डाला है परफॉर्मेंस में. तो आलिया टू गुड. कार्तिक आर्यन, वी ऑल आर अवेयर ही इज अ स्टार, सो उसकी एक्टिंग में तो दम है. ही इज प्रूव्ड इट मल्टीपल टाइम. स्टोरी लाइन मूवी की ज़बरदस्त है. लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड इट विल कीप द ऑडियंस ग्लूड टू द स्क्रीन. यू विल नॉट फील, इवन इफ यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, यू विल सर्टनली पॉज द मूवी एंड देन गो फॉर अ ब्रेक. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है. तो यस, स्टोरी लाइन के लिए दिस मूवी गेट्स 8/10. सॉन्ग्स, सिंस इट्स एन OTT रिलीज, आई थिंक सॉन्ग्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है. ओवरऑल इसमें दो सॉन्ग हैं, वन दैट कीप्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड एंड एक थोड़ा रोमांटिक स्कोर है. तो दोनों गाने बहुत ही अच्छे हैं. बट विथ कार्तिक आर्यन एंड आलिया इन द मूवी, आई रियली थॉट कि कुछ और इंटरेस्टिंग एंड फुट टैपिंग सॉन्ग्स होते. बट इस मूवी का जो नेचर है, आई डोंट नो इफ मेकर्स वुड हैव बीन एबल टू इन्वॉल्व टू मेनी सॉन्ग्स. तो दैट्स जस्टिफाइड, बट देन या लिटल मोर फ्रॉम द सॉन्ग्स. मूवी का स्क्रीन प्ले या फिर स्टोरी टेलिंग ऑसम. इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट वॉट इज गोइंग नेक्स्ट. और या फिर पहले सीन्स में जो जो बोला गया है वो आपके दूसरे या तीसरे सीन से या फिर कॉन्जिक्यूटिव सीन से कैसे रिलेट करता है, वो जब आप देखेंगे तो यू विल बी लाइक इन ऑ ऑफ द पर्सन हु इज इमेजिन्ड ऑल दिस. तो यस, दिस इज द स्टोरी टेलिंग और द स्क्रीन प्ले इज ऑसम. सो ओवरऑल आई फील फ्रेडी इज अ वेरी गुड वॉच. अगर आपने डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, देन टू आई रिकमेंड यू गाइज गोइंग टू अवर फ्रेंड्स हाउस एंड वॉचिंग दिस मूवी. बिकॉज आपको ये थिएटर्स में तो नहीं मिलेगी, हाउ मच एवर यू वॉन्ट. एंड कार्तिक आर्यन फैंस, इट्स अ मस्ट सी बिकॉज ही इज प्रेजेंटेड समथिंग डिफरेंट एंड इन अ डिफरेंट वे. सो ओवरऑल 8/10 फ्रॉम मी फॉर दिस मूवी. सो प्लीज गो वॉच दिस मूवी. And yes, I hope you like the review. You can tell me in the comment section if I missed on anything or how you liked the movie or you didn't like the movie at all. You can put it on the comment section. Please like this video, share this video and subscribe to my YouTube channel.